हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैंने अपनी ब्लॉगिंग देखिए चाय नाश्ता करने के बाद स्टार्ट कर दी है। और आपको पता है आज हम लोगों ने चाय नाश्ते में चाय और पराठा खाया है और मछली खाई है थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि बाबू सुबह सुबह स्कूल जाता है और उसके लिए पराठा बनाना पड़ता है। तो सीखा चार पराठा उसके लंच बॉक्स में डाल देती है और दो दो हम लोगों के लिए बना लेती है, दो मेरे लिए, दो बड़े वाले भैया के लिए और दो अपने लिए। तो हम लोग वही आज खा लिए हैं। पराठे बनाने के बाद सीखा तुरंत ही चावल रोटी बना दी थी और सब्जी अभी नहीं बनी है। और मैं यहाँ पे सब्जी काटने बैठी हुई थी और सीखा आके मस्ती कर रही थी। फिर आपस में हम दोनों बहनें बातें कर रहे थे, मैं और सीखा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, एकदम दर्द के मारे फट रहा था, आराम ही नहीं मिल रहा था। तो मैं लेटी थी, फिर सीखा ने मुझे ऑयल लगाया, बहुत ही ढेर सारा तेल लगाया, तो जाके मुझे आराम मिला है। तो जब आराम मिल गया तो मैं सब्जी उब्जी काट दी हूँ बैठे बैठे और नहाया नहीं है। अब सोच रही हूँ जाऊँ नहा लूँ, आराम मिल गया है तो। और 10:30 बज रहे हैं, रोटी चावल सीखा बना दी है और मुझे अभी सब्जी उब्जी बनानी है। मैं जाके सब्जी बना देती हूँ और सीखा उधर देखे वीडियो शूट करने में लगी हुई है। और इधर ये मेरा टेडी बियर बैठा हुआ है बेचारा, इधर आओ। आप लोगों को पता है ये ना मेरे हस्बैंड मुझे दिए थे, और इसको ना पहली बार जब मैं मेरे हस्बैंड पहली बार मिले थे ना शादी के पहले, तब उन्होंने मुझे यही गिफ्ट दिया था और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं ना इसको बहुत संभाल के रखती हूँ। सीखा कह रही थी दीदी निकाल लो वीडियो बनाना है, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है, वरना मैं इसको अच्छे से पैक करके रख दी थी। और ये काफ़ी बड़ा सा है, ये देखिए 5 साल के बच्चों की जितना ये बड़ा है, जितने बड़े 5 साल के बच्चे होते हैं। ये मैंने फ्रूट मंगवा लिया है और फ्रूट मेरे पास ख़त्म हो गया था। ये देखिए केले हैं, तो इसमें से ना कुछ केले बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। एप्पल मंगवाया है मैंने, अच्छे हैं एप्पल, बड़े हैं। और कीवी भी मैंने मंगवा रखी है, 4 कीवी है, 1 kg एप्पल है और 1 दर्जन केला था। और ये सब देखिए कैसे ख़राब केले हैं, जो कि बिल्कुल किसी के खाने के लायक भी नहीं है। इनकी कंडीशन देख लीजिए कैसी है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जो भी अच्छे थे मैंने ये देखिए निकाल के टोकरी में रख दिया है, तो इसको फ्रिज में डाल दूँगी। मक्खियाँ देखिए कितनी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। सारा फ्रूट मैंने धुल के फ्रिज में डाल दिया था। उसके बाद मैं लंच बनाने लगी थी, और लंच में देखे मैंने आलू पालक की सब्जी बनाई थी। पालक को बॉईल करके मिक्सी जार में पीस लिया था और आलू को मोटे मोटे टुकड़ों में काट के उसकी मैंने सब्जी बना ली थी आलू पालक की। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्जी, और मेरे छोटे वाले भाई की तो ये फेवरेट वाली सब्जी है। वो हमेशा जब भी पालक आएगी घर पे, वो बोलेगा कि आलू पालक की वही वाली सब्जी बनाओ, तो मैंने उसी के कहने पे बना दिया था ये वाली सब्जी। रोटी चावल तो सीखा पहले से ही बना रखी थी, मैंने सोचा कि चावल को मैं थोड़ा सा और भी ज़्यादा टेस्टी बना देती हूँ, क्योंकि चावल ना काफ़ी ज़्यादा बन गया था, एक प्रेशर कुकर भर के चावल बन गया था। तो वही मैं चावल को थोड़ा टेस्टी बना रही थी, तो मैंने कढ़ाई में देसी घी डाला और मैंने 5 से 6 काजू को बीच से कट कर लिया था और उसको मैंने तेल में पका लिया था। और फिर मैंने जीरा डाला और तेज़पत्ता डाला और लौंग, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के पका ली थी। देसी घी में ये वाले चावल बनाओ ना तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और पकाने के बाद मैंने चावल डाल दिया था और चावल को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था और थोड़ा सा डाल दिया था नमक। Thank you.
चावल बनने के बाद शिखा बोली मुझे खाना दे दो, मुझे जोरों की भूख लगी है। तो मैं शिखा के लिए देखे थाली में चावल निकाल रही थी, उसके बाद मैंने सब्जी दे दिया था थाली में ही, और रोटी शिखा कह रही थी मैं नहीं खाऊंगी। शिखा को खाना निकालने के बाद मैंने सब लोगों के लिए खाना निकाल दिया था, फिर सब लोगों ने खाना खाया और आराम किया। फिर बच रहे थे चार, तो मम्मी बोली चलो शिखा घास काट दो, तो वही मैं भी बोली कि मैं भी चलूंगी साथ में। तो मैं लगा रही थी और शिखा देखे घास कट कर रही थी। और वीडियो हमारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली। और अब हम लोग जा रहे हैं घर में, और ये दीदी पानी वानी लेके आई थी। अगर कुछ टाइम के लिए पीछे आती है ना तब भी प्यास जैसे लग जाती है, बॉटल वोटल लेके पूरे व्यवस्था के साथ, तब आते हम लोग पीछे साइड। और बारिश भी आ रही है थोड़ा थोड़ा, अब घर पे जाके कपड़े वपड़े हटाएंगे वरना सारे भीग जाएंगे।